नीट एग्जाम्स हो गए, काउंसलिंग हो गई, कॉलेज भी अलॉट हो गया. ओके, देन कॉलेज जाते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आते हैं हम स्टडीज़ कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, तो आप सीनियर्स के पास भागने लगते हो स्टडीज़ कैसे मैनेज करना, तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज प्राची पांडे, बी एम ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें फर्स्ट ईयर में अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करनी चाहिए. ओके, तो अब आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो. हमारे पहले क्या होता है, हम सीनियर्स के पास जाने लगते हैं कि हमें ये चीज़ कैसे मैनेज करनी है, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. तो क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है कि आपके लिए सब कुछ नया होता है. हमारे लिए भी था, हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमारे लिए 11th 12th में हम पढ़ के आते हैं, गैप ईयर के बाद आते हैं, तो पूरे सब्जेक्ट सारे करिकुलम सब कुछ चेंज था, सब कुछ न्यू था. तो हमें उस टाइम समझ नहीं आता है कि हमें मैनेज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है. आप बुक्स भी देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या लगता है कि ये है क्या, सिलेबस क्या है. और आयुर्वेदा की बुक्स अगर बीएमएस स्टूडेंट आप हो तो वो बुक्स भी बहुत ऐसे लगता है कि कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होती है. तो यार आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है. आपको ना बस अपना एक शेड्यूल रहना है, आपको अपने नोट्स बनाओ, आप सब्जेक्ट उठाओ, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो. आपको ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग में ऐसे पूरा एक ही दिन में आप 10 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दे रहे हो, बहुत स्टार्टिंग में ही पैनिक कर गए, बिल्कुल नहीं होना है. आपको स्टार्टिंग से पेज वन से आपको स्टार्ट करना है. आप अपना सिलेबस देखो, आप सिलेबस देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे करके सारे आपको सिलेबस की PDF मिल गई होती है कॉलेज में, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट करनी होती है. चीज़ों को पहले समझना शुरू करो. पहले क्लास में टीचर जो हमें बताते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है. हमें फुल्ली डिपेंडेंट भी नहीं रहना है कि सिर्फ जितना टीचर बता रहे हैं हम उतना ही पढ़ना है, हमें ये भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है. लेकिन ये होता है कि आपको टीचर जो बता रहे हैं उससे सुनो. आपको उससे क्या होता है ना कि बेस क्लियर होता है कि क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है उसमें जो चैप्टर्स हैं वो क्या है, हमें एक बेस मिल जाता है. तो अगर हम टीचर की बातें सुनते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं ना, तो हमें ये बहुत हेल्पफुल होता है. टीचर क्लास में क्या बोला सुनो, उसको नोट डाउन करो, फिर वो टॉपिक आके जब आप अपनी बुक में पढ़ते हो ना तो वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है. और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आप नोट्स बनाओ यार. नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम पे सबसे ज़्यादा, अगर हमें कोई चीज़ याद आती है ना तो वो होते हैं हमारे नोट्स. क्योंकि उस मेन टाइम पे आपको कोई काम नहीं आता, कोई हेल्प नहीं करता, उस टाइम सब लोग पैनिक होते हैं, आपके बैचमेट्स भी आपको सब लोग नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको उस टाइम पे, और ना ही आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ सकते हो, सारे सिलेबस आप फिर से कवर कर सकते हो. इनफैक्ट आप एक बार पढ़ भी चुके हो तो भी आप पूरी बुक दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते. तो आपको जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, जो आप बना के रखे होते हो, आपके लास्ट में वही काम आता है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स उठाने हैं और लास्ट टाइम पे ना आपको 2 बार 4 बार वही पढ़ने हैं. आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं, हमें देखो बुक पढ़नी होती है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए. बाकी जब हमें मेन टाइम पे रिवीजन करना है, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, आप उस टाइप के नोट्स बना के रखो. पॉइंट वाइज नोट्स लिखो हर सब्जेक्ट के, ठीक है. आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं पॉइंट वाइज अगर हम नोट्स बना के रखते हैं ना, तो लास्ट टाइम पर हमें वो पढ़ना ईजी हो जाता है. और सबसे बड़ी बात, हम अगर किसी और से नोट्स लेते भी हैं, हम आप अपने सीनियर्स वगैरह के पास जाते हो नोट्स लेते हो, बट क्या होता है ना, जो अपनी खुद की लिखी हुई नोट्स होती है तो अपना खुद का लिखा हुआ जितनी जल्दी आपको समझ में आता है, जितना इजी होता है उसको अंडरस्टैंड करने में, उतना इजी आपको दूसरे के नोट्स नहीं होते और ना ही बुक्स होती है, ठीक है. तो आप टीचर की बातें सुनो, टीचर जो बोलते हैं उसको लिखो, देन आके आप उस टॉपिक को अपने बुक में खुद से पढ़ो, खुद से लिखो. तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. आपके जो सब्जेक्ट पहले देखो, आप 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जितने भी हैं, पहले सबको नापे के एनालिसिस करो, छोटा सा एनालिसिस करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड जा रहा है, कौन सा आपको इजी जा रहा है. उस अकॉर्डिंग आप अपनी ना सेट करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है. अगर आपको फॉर एग्जांपल बीएमएस में संस्कृत हार्ड जा रहा है, तो उस पर आप स्टार्टिंग से काम करो. जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड जा रहा है आप उसको डे वन से उस पर काम करना है, उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है. और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है. आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को कवर करना है, एक ही सब्जेक्ट पे आपको नहीं रहना है. सबसे इम्पॉर्टेंट है आप बुक में एक बार पढ़ो, नोट्स बनाओ, उस नोट्स को रिवाइज करो. सिर्फ इतना सा फंडा है, आप इजीली पास हो सकते हो कॉलेज में. बीएमएस में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है. आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस यूँ ही आ जाता है. आपको 70% 75% अर्न करना नॉर्मल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है. आप इजीली 60% के ऊपर ला सकते हो अगर आपने अच्छे से लिखा एग्ज़ाम में. तो बट डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, हमें नॉलेज कितनी है, ठीक है. तो इसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा, खुद नोट्स बनाने होंगे. आपके कोई सीनियर कोई जूनियर ऐसा नहीं होता है कि आपके माइंड में पूरी चीज़ें भर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप बस एक बात करके एक आपको अच्छा लगता है कि हमारी हेल्प करते हैं, तो आप बस एक उनसे एक आइडिया लो. आपको पूरी चीज़ें नहीं बता सकते कि आप ऐसे नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, आपको खुद से करना होता है, आपको खुद से सीखना होता है, क्योंकि लास्ट में हमारी लिखी हुई चीज़ें ही काम आती है, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं आऊँगी. तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.